अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल मोशन। दोस्तों, आपकी बुक में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का एक लफ्ज यूज हुआ है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो जगह पकड़ती है, इस ऑब्जेक्ट को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट की बॉल एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ग्लास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट का बैट जो है इट इज आल्सो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये लफ्ज यहां पर हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि फोर्स डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट को डॉट के जरिए जाहिर करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये किताब है, ये मेज के सरफेस पे पड़ा हुआ है। इस किताब को यहां पे शो किया गया है एक डॉट के जरिए। ये जो आपको नजर आ रहा है ये डॉट है, इट शोज द बुक ऑन दिस टेबल, और ये एरो शोज द वेट ऑफ दिस बुक, और ये एरो शो कर रहा है नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बुक। लेकिन बस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट को डॉट से जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की शेप और साइज से बहुत फर्क पड़ता है। हम जब उसकी मोशन को स्टडी करते हैं तो उसकी मोशन शेप और साइज पे डिपेंड करती है, तो लिहाजा बास केसेस में हम किसी ऑब्जेक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ऑब्जेक्ट्स की शेप और साइज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर्स में हमने जितना भी मोशन के बारे में पढ़ा है वो तमाम मोशंस तकरीबन हमने लीनियर मोशन कंसीडर किए थे, लीनियर मोशन के बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन इस चैप्टर में हम रोटेशनल मोशन को स्टडी करेंगे। अब रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन को हम यू डिफाइन करते हैं कि द मोशन वेयर ऑल पॉइंट्स आर पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ अबाउट सिंगल फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। यानी वो मोशन जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के तमाम पार्टिकल्स एक फिक्स पॉइंट के इर्द-गिर्द सर्कुलर मोशन करें, उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ फैन, जो आपको नजर आ रहा है ये एक फैन है, इस फैन के जितनी भी पार्टिकल्स हैं, यानी ये फैन पार्टिकल से मिलकर बना है, तो तमाम पार्टिकल्स एक सेंट्रल पॉइंट के इर्द-गिर्द सर्कुलर मोशन करते हैं, तो इस किस्म की मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। या फॉर एग्जांपल, साइकिल का व्हील है, उसको हम जब मोशन देते हैं तो उसकी मोशन भी रोटेशनल मोशन है। व्हील जितने पार्टिकल से मिलकर बना है, तमाम पार्टिकल्स एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन करते हैं, तो इस किस्म की मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन में तमाम पार्टिकल्स या तमाम पॉइंट्स कैसे सर्कुलर मोशन करते हैं, इसके लिए मैं सपोज करता हूं कि लेट सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है। दोस्तों, अगर हम ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन करें तो हम कहते हैं कि इट इज द कलेक्शन ऑफ मेनी पार्टिकल्स। जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिले और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे, स्ट्रांगली कनेक्टेड हो विद ईच अदर, तो वो तमाम पार्टिकल्स मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो मैं कंसीडर करता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है, और मैं सपोज करता हूं कि एक पार्टिकल ये है, ये एक पार्टिकल है, और एक पार्टिकल ये है, ये दो पार्टिकल्स मैं कंसीडर कर रहा हूं। वैसे ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो इस पार्टिकल को मैं कहता हूं कि ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है ऐसे। तो आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल यहां पे पहुंचता है इस पोजीशन पे, और ये बी पार्टिकल यहां पे पहुंचता है, तो इन्होंने जो डिस्टेंस तय की है वो ये डिस्टेंस तय की है, और इस पार्टिकल ने ये डिस्टेंस तय की है। आफ्टर सम टाइम मैं कहता हूं कि ये पार्टिकल बी यहां पे पहुंचता है इस पॉइंट पे, और पार्टिकल ये पार्टिकल ए है और पार्टिकल बी इस पॉइंट पे पहुंचता है, तो उन्होंने जो डिस्टेंस तय की है वो ये डिस्टेंस तय की है।
सिमिलरली आफ्टर सम टाइम ये यहां पे पहुंचेगा और बी जो है वो यहां पे पहुंचेगा, तो ये उन्होंने डिस्टेंस तय किया है। तो इस तरह ये दो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये पार्टिकल ए और ये पार्टिकल बी ये सर्कुलर मोशन करेंगे। और इसका एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये सेंट्रल पॉइंट है, ये जिसको हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस को हम बाद में डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो वो तमाम पार्टिकल्स या तमाम पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट के इर्द-गिर्द मोशन करते हैं। तो इस किस्म की मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूं फैन है, फैन की थ्री विंग्स होते हैं। अगर विंग को मैं पार्टिकल कहूं तो थ्री पार्टिकल्स हैं, तीनों पार्टिकल्स एक फिक्स पॉइंट के इर्द-गिर्द मोशन करते हैं। या व्हील है, व्हील के जितनी भी पार्टिकल्स है वो एक खास पॉइंट के इर्द-गिर्द मोशन करते हैं। तो ये एग्जांपल्स है रोटेशनल मोशन के। अब दोस्तों रोटेशनल डायनेमिक्स को समझने के लिए हमें दो टर्म्स का समझना बहुत जरूरी है। एक है रिजिड ऑब्जेक्ट और दूसरा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। दोस्तों आपकी बुक में एक लफ्ज यूज हुआ है रोटेशनल डायनामिक्स। दोस्तों पिछले दो चैप्टर जो हमने पढ़े हैं, एक काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स, दोनों मोशन के हवाले से है। काइनेमेटिक्स में हम वो मोशन डिस्कस करते हैं जिसके कॉज का हमें पता ना हो कि ये क्यों मोशन कर रहा है, और डायनेमिक्स में हम उस मोशन को डिस्कस करते हैं जिसकी कॉज का हमें पता हो कि ये क्यों मोशन कर रहा है, यानी फोर्स की वजह से मोशन कर रहे हैं, फोर्स का हमें पता होता है या फोर्स को हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें मोशन के साथ हम फोर्स को भी स्टडी करते हैं। तो यहां पे मोशन हम ले रहे हैं रोटेशनल मोशन, तो डायनामिक्स हम इसलिए लगाते हैं कि यहां पे हम फोर्स को भी डिस्कस करेंगे, रोटेशनल फोर्स जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे टॉर्क को, यानी ऐसी फोर्स जिसकी वजह से रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज रिजिड ऑब्जेक्ट। दोस्तों जब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं तो इस जुड़े हुए पार्टिकल्स को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि मैं सपोज करता हूं कि बहुत सारे पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक ये ये ये, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि इस साइड पे मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं, तो फोर्स लगाने के बाद अगर ये तमाम पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे रहे, यानी दो पार्टिकल्स के दरमियान अगर डिस्टेंस है, एक फिक्स डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस फिक्स रहे, वो उसमें कमी बेशी ना हो, तो फिर इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज नहीं होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई होने से पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टर्ब ना हो, वो चेंज ना हो, तो फिर ऑब्जेक्ट का शेप चेंज नहीं होता, उसका साइज चेंज नहीं होता। तो इस किस्म की ऑब्जेक्ट्स को हम रिजिड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के साथ वो मोशन करते हैं और मोशन के दौरान तमाम पार्टिकल्स के दरमियान फिक्स डिस्टेंस हो, वो चेंज ना हो, तो फिर इस किस्म की ऑब्जेक्ट्स को हम रिजिड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। बाज ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसपे हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाती है, यानी उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पंज है, उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी साइज कम हो जाती है। तो रिजिड ऑब्जेक्ट को हम जो डिफाइन करते हैं कि द ऑब्जेक्ट्स अ फिक्स्ड फॉर्म दैट डू नॉट डिस्टॉर्ट और डिफॉर्म एज दे मूव, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जो मोशन के दौरान उसकी शेप चेंज ना हो, वो फिक्स्ड हो। मोशन क्यों करते हैं ऑब्जेक्ट्स जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम यू डिफाइन करते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ए लाइन अबाउट विच द रोटेशन टेक्स प्लेस, यानी वो लाइन जिसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन करता है।
जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है। मैं सपोज करता हूं कि एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये हो गया, तीसरा पार्टिकल ये हो गया। ये तीन पार्टिकल्स मैं कंसीडर करता हूं। तो जब ये ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है तो ये तमाम पार्टिकल्स भी मोशन करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी सर्कुलर मोशन करते हैं, तो ये पार्टिकल जब मोशन करेगा, मैं सपोज करता हूं कि उसकी सर्कुलर मोशन ये है और इस सर्कुलर मोशन का एक सेंटर होता है, ये उसका सेंटर है, और ये जब मोशन करेगा तो इसका भी एक खास सेंटर होता है। मैं सपोज करता हूं कि इसका सेंटर ये है और ये जब मोशन करेगा सर्कुलर मोशन तो इसका भी एक खास सेंटर होता है। तो इन तमाम सेंटर्स को हम आपस में मिला लेते हैं तो इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जितने पार्टिकल्स मोशन करते हैं उसका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, उस तमाम पार्टिकल्स का एक सेंट्रल लाइन बन जाता है, उस सेंट्रल लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये पंखा नजर आ रहा है, ये पंखा एक लाइन के अराउंड मोशन कर रहा है, ये जो रेड लाइन है इट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो व्हील आपको नजर आ रही है ये जब रोटेशन करती है तो एक लाइन के राउंड रोटेशन करती है, इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द रोटेशनल मोशन। थैंक यू।